Find the real me. So let's go. Seize the feeling. Cause you know, it's time for the meaning. Now we show. हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मेरे गले में दर्द थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, मतलब यहाँ ठीक है लगभग, और ये वाला हिस्सा है ना कान के पीछे वाला, यहाँ दर्द है। तो बहुत अच्छा सुझाव था कि कुम्हार वाला, और मतलब कुम्हार झाड़े लगाते हैं ना, झाड़ा, तो उससे बहुत आराम मिलता है। कल मंगलवार था तो कल का झाड़ा परफेक्ट था, मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला कल वाले झाड़े से। मैं रात को सो पाई, वरना 3 दिन हो गया, तीसरा दिन है। परसों बिल्कुल नहीं सोई थी मैं रात को, और कल नींद आई मुझे, और आज मैं ये ऊपर दर्द होने लग गया, नीचे इतना नहीं है। पानी आराम से पी सकती हूँ, खाना भी खाया, वो भी ठीक खाया। और क्या कह रही थी मैं, बस बाबू सो गया है, इसके सोने का समय कभी भी सो जाता है। छोटे बच्चे हैं ना, इनका जब मन करता है, ये बोर होते होते ना, तो उस समय ज़रूर सोते हैं। ये बोर हो गया था तो सो गया शायद। और काफ़ी सारा काम बचा हुआ है मेरा, अभी नहाना धोना हुआ है बस खाली, और आज लाइट नहीं थी सुबह से, तो इस चक्कर में और ज़्यादा लेट हो गया। यसु को भी स्कूल नहीं भेजा, यसु को यूनिफॉर्म दिला के लेके आनी है आज, इसलिए तो छुट्टी मरवा दी मैंने, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होने लग गई है। और जो यूनिफॉर्म है रोज़ रोज़ अलग, मतलब जो स्कूल में चल ही नहीं रही हो, वो हम पहना के भेजे बच्चे को, तो अच्छा नहीं लगता ना, बस इसलिए। तो जी, कल मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं स्कूल गई थी यसु को टिफिन देने के लिए, मतलब कल जितना डरी हूँ ना शायद मेरी ज़िंदगी में, मैं पहले कभी नहीं डरी। मतलब लास्ट में आप लोगों ने देखा था बंदर हैं, एक बंदर दिखाई दिया था, और वही मुझे नहीं पता था आगे क्या है। मैंने सोचा एक होगा, एक आधा और दिखा दे, तो छतों के ऊपर थे, चलो कोई नहीं निकल जाएंगे। लेकिन एक बाड़े के अंदर जो बंदर, कम से कम 30 से ज़्यादा बंदर होंगे वो, और एक अंकल थे वहाँ पे, मतलब बुजुर्ग से थे वो, कहाँ भगाते, लेकिन उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी। और एक बार तो उन्होंने हट हट करके उनको मतलब दूर कर दिया था, और बस ज़्यादा दूर नहीं था स्कूल, तो कहा बेटा अब ये मेरा बैत ले जा तू, और अगर तेरी ये थैली फाड़ने की कोशिश करें, या फिर तू इनकी साइड देखना मत, डरना मत पहले, तो अगर डर गई तो ये इनको पता चल जाता है, डरना मत, और तू इनको डरा देना डंडी से। मैंने कहा ठीक है। और भाई मैं उस वो जिस बाड़े में बंदर थे ना, वहाँ से तो निकल ली, और एक घर है उसके अंदर से जाना पड़ता है, वहाँ पे भी कोई नहीं रहता। उस घर की दोनों चौखट होती है ना, उन दोनों पे बंदरों की भरमार, और मेरा एकदम से तो जी बैठ ही गया उस टाइम पे, कि जिस बाड़े में से निकल के आए वहाँ पे भी बंदर, और यहाँ पे भी बंदर, मैं निकलूँ कैसे? अब थोड़ा सा दूर हो तो निकल भी जाए, अब एक इस चौखट पे बैठा है, एक इस चौखट पे, और उधर से उस रास्ते से आपको निकलना है, डर नहीं लगेगा? तो फिर भी मैंने थोड़ा सा आस रखा, चलने लगी, और फिर बंदरों ने मेरी तरफ निकाली भुरखी बड़ी ज़ोर से, और मेरे वहीं रो पड़ी मैं, और आंसू आ गए मेरे, ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। तो स्कूल में, इनका स्कूल बिल्कुल पास में ही है, तो एक भैया थे उनको सुनाई दे गया शायद, वो भाग के आए और मुझे भैया ने बचाया। तो बस आज के बाद मैं यसु कभी टिफ़िन देने नहीं जाऊंगी, अब नहीं देने जाऊंगी कभी भी टिफ़िन। क्या है कि एक घंटे लेट बना हुआ खा लेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 बजे जाती है, 10:30 बजे इनका टिफ़िन होता है, कोई बात नहीं। लेकिन इस तरीके से तो नहीं जा सकती मैं, कि कल को कहीं मेरे को पाड़ लें तो मेरे बच्चों की का क्या होगा, है ना? मेरा तो देखा जाएगा, पर मेरे बच्चे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं याद कर रही हूँ तो, पर ठीक है, अभी बच्चे गई मैं कल भगवान की दया से, और उन भैया और उन अंकल की दया से, कि उन्होंने मुझे वहाँ से बाहर निकाला। मैंने वहाँ हनुमान जी को याद किया था कि बंदर तो हनुमान जी को होते हैं, और मैं नाम भी इतना लेती हूँ हनुमान जी का, और फिर भी आके खा जाएंगे मेरे को, इतना ज़्यादा डर लगा था। लेकिन बच गई मैं, नहीं खाई मुझे, और
घर आ गई मैं। फिर मैंने घर पे आके सबको बताया कि मैं अब देने नहीं जाऊँ, कभी नहीं देने जाऊँ टिफिन। तो जी बस काम हम अब शुरू करेंगे। तो जी ऐसा नहीं है कि सुबह से कुछ काम किया ही नहीं है। यहाँ पे एक बार झाड़ू लग चुकी है, बर्तन बर्तन मैंने धो लिए थे पहले ही, लेकिन फिलहाल जो यस्सु घर पे है ये आतंक मचा देती है। इन बच्चों को नहलाया है, उसके बाद में मतलब सारा घर वापस बिखर गया और मेरे बाल में से रबड़ कब गिर गया पता ही नहीं लगा। अभी मैं बाल बना लेती हूँ पहले अपने, और फिर उसके बाद आगे का काम करूँगी, क्योंकि ये बिखरे बिखरे रहते हैं ना तो फिर बहुत अजीब से लगते हैं, चुभते से हैं, अच्छा नहीं लगता। तो बस पहले मैंने बाल बनाए हैं अपने, फिर बाद में बाबू उठ जाएगा तो बाल बनाने का भी टाइम नहीं देता, वो इतना खोटा है। तो बस ये यस्सु देखिए कहाँ लेटी हुई है, इसको ऐसे ही लेटे देख के मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि बच्चे पसना है ना, यही होता है कि बच्चे ऐसे ही होते हैं कि जहाँ मर्जी वहाँ लेट जाते हैं। हम अपने जैसे तो लोग ऐसे हरकतें कर नहीं सकते, बच्चे ही कर सकते हैं ना, इसलिए अच्छा लगता है मुझे। और बस खाली झाड़ू निकालूंगी आज, पोछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। और ये देखिए पूजा के रूम का क्या कबाड़ खाना बना दिया, ये यशु के ही काम है, सारे दिन ऐसे खेलती रहती, कभी कहीं कभी कहीं, जैसी इसकी इच्छा होती है ना वहीं अपना सामान सारा ले जाती है और बिखेर के और वहीं की वहीं छोड़ के आ जाती है, आगे वाला इंसान उठाता रह जाए। तो मैंने सोचा इधर से झाड़ू तो लगानी है, तो पहले ये जो चद्दर है इसके ऊपर से खिलौने हटा देती हूँ। तो जी हो गई है मेरी झाड़ू और लगभग काम फिनिश हो गया है। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और थैंक यू, इतने अच्छे अच्छे सुझाव दिए, वो नमक वाला सुझाव बहुत बढ़िया था, वो मैंने कल से 3-4 बार शिकायत कर ली मेरी गर्दन पे, तो शायद उसका भी असर है बहुत ज़्यादा। तो मेरे जो एक गले की गांठ है इसमें काफ़ी आराम है।